हाय गाइस, दिस इज हम्मद हुसैन और इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन फॉर एएमयू काउंसलिंग। गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताई गई हैं जो स्टूडेंट्स जनरली काउंसलिंग के टाइम पे करते हैं, तो वीडियो को देखिएगा ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो एएमयू की काउंसलिंग को अटेंड करने वाले हैं। तो गाइज, ये है आपके सामने जो अभी पेज खुला हुआ है, ये एएमयू का काउंसलिंग का पोर्टल जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ये एएमयू का पोर्टल काउंसलिंग का लाइव हो चुका है बट अभी इस पे काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 16th ऑफ जनवरी से और सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो होगी बीटेक वाले होगी। सो बीटेक वाले प्लीज रेडी रहें, अपने टाइम पे पंक्चुअल रहें और जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इस पर एएमयू की वेबसाइट पे एक पीडीएफ मिल जाएगी, दैट इज यूजर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन। आप उसको देख सकते हैं, आपको वहां पे पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है। आपको वहां पे पता चल जाएगा कि इसके 6 मेजर स्टेप्स हैं, आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है रजिस्ट्रेशन, आपको इसके पोर्टल पे आके रजिस्टर करना है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा आपका वो होगा लॉग इन करने का। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना होगा और आपको उसके थ्रू लॉग इन करना होगा। पासवर्ड याद रखिएगा, पासवर्ड आपको भूलना नहीं है क्योंकि वो पासवर्ड आपका आगे काम आएगा। उसके बाद गाइस, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको जो चीजें जरूरी हैं वो होगी आपकी एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसका फाइल फॉर्मेट देख लिया, फाइल फॉर्मेट जरूरी है, जेपीईजी, जेपीजी, बीएमपी एक्सेट्रा फाइल फॉर्मेट हो सकता है। उसके अलावा आपकी 10th हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आपके जो भी एग्जामिनेशन पास्ट एग्जामिनेशन उन सबकी मार्कशीट आपको प्रोवाइड करनी होगी। उन सबके जो फाइल फॉर्मेट है वो पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी एक्सेट्रा हो सकते हैं। और गाइस, अगर आपने स्पेशल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, अगर आप सीए हैं, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, सीई है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, तो आपको अपने पेरेंट्स की मार्कशीट को उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वापस आ जाते हैं एएमयू के इस काउंसलिंग के पोर्टल पे। तो गाइज, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे जाना होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना होगा, एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। ये तीनों ही चीज आपको बिल्कुल करेक्टली फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। बाई चांस अगर आपने ये चीजें गलत एंटर कर दी है तो यहाँ पे आपको एक एरर शो होगा रेड कलर का, जिसमें आप को बताया जाएगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं हो रही हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से अपने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल करेक्टली फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्रिएट करना होगा, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड आप याद रखिएगा, पासवर्ड आपका क्योंकि आगे भी काम आएगा काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपको पासवर्ड भूलना नहीं है। बाय चांस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड पर नीचे आके क्लिक कर सकते हैं। फॉरवर्ड पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी ईमेल एंटर कर सकते हैं और फिर सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल पे एक पासवर्ड मिलेगा जिससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जिस चीज का ख्याल रखना है वो यही है अभी जो आपको बताया गया था कि आपको अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर बिल्कुल प्रॉपरली फिल करना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गाइस, ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। काउंसलिंग के टाइम पे आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में दिक्कत आ सकती है। गाइस, जब आप आगे अगर फिल करेंगे चांस मेमो के लिए या स्पेशल कैटेगरी के लिए, तो याद रखिएगा कि आप चांस मेमो के लिए रजिस्टर करना ना भूलें, स्पेशल कैटेगरी के लिए रजिस्टर करना ना भूलें। आपको स्पेशल कैटेगरी और चांस मेमो के लिए भी रजिस्टर करना होगा। और गाइज, अगर आपने एक से ज्यादा कोर्स में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको अलग अलग आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही आईडी से लॉगिन करना होगा। गाइज, नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो है आपकी टाइम की, आपको पंक्चुअल होना होगा। बी रेडी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आपको लेट नहीं होना है काउंसलिंग पे। बी रेडी ऑन द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड कंप्लीट ऑल द स्टेप्स। अगर आप टाइम पे नहीं हुए तो आपको ट्रीट किया जाएगा एज एन नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट और आपका नेम जो है स्किप कर दिया जाएगा, आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। तो आपको अपनी काउंसलिंग के टाइम पे प्रेजेंट होना है। गाइस, नेक्स्ट चीज जो है, आपको अगर आप यूजर मैनुअल की पीडीएफ चेक करेंगे तो आपको वहां पे भी वो चीज दिख जाएगी कि इट इज प्रेफरेबल दैट यू शुड यूज अ लैपटॉप और डेस्कटॉप, मोबाइल फोन यूज मत करिएगा, हो सकता है कि जो पोर्टल है वो मोबाइल फ्रेंडली ना हो। गाइस, पेमेंट से रिलेटेड एक क्वेरी आई थी तो आपको क्लियर कर दें कि पेमेंट जो है वो वन टाइम होगा, इंस्टॉलमेंट्स में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा। और नेक्स्ट चीज जो है, जो पेमेंट है वो आपके जो एप्स होते हैं जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इनके थ्रू अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आपको पेमेंट करना होगा वो आपको अपने कार्ड के थ्रू करना होगा।
गाइस अपने चॉइसेस का ख्याल रखिएगा, जो आपकी चॉइसेस है वो आपको अपने टाइम में ही फिल करनी होंगी। चॉइसेस कांट बी मॉडिफाइड आफ्टर द टाइम ऑफ सबमिशन। अगर आपका सबमिशन कंप्लीट, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस फिल हो जाएंगी, तो आप उसमें दोबारा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका टाइम है उसी टाइम बीइंग में आपको अपने चॉइसेस में मॉडिफिकेशन जो करने हैं वो कर लिएगा। और गाइज अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे जिनमें कोई भी वेरिफिकेशन के टाइम में कोई भी गड़बड़ी निकलती है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन लोग को एएमयू की ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है।